इसका अखंड ज्योति जलेगी आज मठ में शिव मूर्ति के सामने। किंतु याद रहे, ज्योति बुझनी नहीं चाहिए। इतना तो कर, या उसके लिए भी दूसरा अवसर मांगोगे? पिछले थोड़ा दिन अभी हम लोगों का शो मुझे ऐसा लग रहा है फिक्शन से नॉन फिक्शन वाले ट्रैक पे जा रहा है। गंगा को इतने सारे टास्क मिल रहे हैं और ये सब कीमत है कि उसको टास्क में होता है ना कि कोई तो प्राइज होता है कि प्राइज मिले उसको, तो यहाँ पे गंगा को प्राइज मिलेगा उसका पति, और उसके लिए ये सब टास्क वो किए जा रही है नॉन स्टॉप। पहले मैंने 3 टास्क दिए, अब वो उसमें भी अगर वो आगे निकल गई तो मैं चुप नहीं बैठने वाली, क्योंकि मैं डेली सोप की सास हूँ। तो अब मैंने करोली बाबा को बुला लिया है और करोली बाबा अब उसे टास्क दे रहे हैं। तो अभी ये गंगा शो जो है हमारा, उसमें आपको हर बार बहुत सारे नॉन फिक्शन जो है, जैसे खतरों के खिलाड़ी है, नच बलिए हैं, झलक दिखला जा है, जिसमें कई सारे टास्क, बिग बॉस है, टास्क आप लोग आपको देखने मिलते हैं, वो अभी आपको गंगा सीरियल में एक ही छत के नीचे देखने को मिलेंगे। हम क्या ये सब के बारे में शिव जानते कि गंगा को इतनी सारी परेशानी? शिव जानते तो है, लेकिन शिव मेरा बेटा है, सौतेला सही, लेकिन उसके लिए तो मैं सगी माँ से भी ज़्यादा हूँ, और माँ जो कह रही है और माँ जो कर रही है उसके लिए वही उत्तर दिशा है, वही पूर्व दिशा है, और इसलिए शिव चाहे समझे चाहे नहीं समझे उसके लिए इतना आसान नहीं होगा कि माँ के आगे निकल जाए। इसीलिए तो सावित्री गंगा को चैलेंज भी देती है कि चाहे जो हो जाए, मेरे मुँह से निकला शब्द जो है पत्थर की लकीर है।